जितनी स्पीड से अक्षय कुमार फिल्में करते हैं उतनी स्पीड से उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाई भी करती हैं, जिसके चलते 5G और 6G नेटवर्क भी अक्षय कुमार के सामने नहीं टिक पाती। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पीडी कुमार की फिल्म सूर्यवंशी, जो कि स्पीड से बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर रही है, इस फिल्म के अब तक के टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। सो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें, इस फिल्म को रिलीज किया था 5 नवंबर को, जहां पर इस फिल्म को रिलीज हुए पूरे 48 दिन हो चुके हैं, यानी कि इस फिल्म को रिलीज हुए 1.5 महीने से ज्यादा समय हो चुका है। जहां पर इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ता में कमा 120 करोड़ 67 लाख, वहीं पर इस फिल्म ने सेकंड वीक में कमा 45 करोड़ 57 लाख, थर्ड वीक में कमा 18 करोड़ 68 लाख, फोर्थ वीक में कमा 6 करोड़ 43 लाख, फिफ्थ वीक में कमा 2 करोड़ 98 लाख, सिक्स वीक में कमा 1 करोड़ 3 लाख। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की सेवेंथ वीक कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, इस फिल्म ने सेवेंथ वीकेंड में कमा 25 लाख, 46वें दिन कमा 2 लाख, 47वें दिन कमा 2 लाख, और इस फिल्म का आज है 48वां दिन, और ये फिल्म आज 1 लाख की कमाई कर रही है। सो इसी के साथ स्पीड सूर्यवंशी का इंडिया नेट कलेक्शन हो जाता है 195 करोड़ 66 लाख, वहीं पर इस फिल्म का इंडिया ग्रोस कलेक्शन हो चुका है 230 करोड़ 92 लाख, और इस फिल्म ने अब तक ओवरसीज मार्केट से 62 करोड़ की कमाई करी है। सो इसी के साथ सूर्यवंशी फिल्म का टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन हो चुका है 292 करोड़ 92 लाख। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, इस फिल्म को 165 करोड़ के बजट पर बनाया है, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो चुकी है। अब दोस्तों, आप लोग कमेंट कर बताना कि सूर्यवंशी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कब तक चलेगी, साथ ही साथ इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस से कौन सी फिल्म रिटायर करेगी। आप लोग अपनी राय कमेंट कर जरूर बताना।